यहाँ वक्ता के रूप में कृष्ण मुरारी राय भी हैं, वो भी गांव में रहते हैं और वहीं से एक पत्रिका निकाल रहे हैं बतकही नाम से। उस पत्रिका की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं अच्छे संपादन के साथ। तो ये ऐसे लोग या और भी जो आम आदमी जो कुछ भी नहीं करता है, जो बस खेती करता है गांव में, अपनी गृहस्थी चलाता है गांव में, उसके यहाँ भी कुछ ना कुछ बातें तो है अपने अतीत को लेकर के। अब हमको ये देखना है कि जो भी उसके अतीत में है या जो भी हमारे अतीत में है, क्या वह ठीक ठीक इतिहास में भी है, या जो भी हमारा बीता हुआ कल है, या क्या वो सब इतिहास में शामिल है। तो इस इतिहास बोध के साथ और इस इतिहास चेतना के साथ हम इतिहास को देखें, पढ़ें और ये विवेक जरूर पैदा करें कि इतिहास क्या है और मिथिहास क्या है, इतिहास क्या है और मिथिहास क्या है। तो ये अगर हमारे पास इतिहास बोध है, हम ये विवेक पैदा कर सकें, तो सबसे बड़ी बात होगी। और ज्यादा इतिहास का जो आधार होगा वो विस्तृत होगा, तो जितना बड़ा आधार होगा हम उतनी ही बड़ी अच्छी इमारत उस पर खड़ा कर सकते हैं। अभी जो हम इतिहास लिखते हैं और पढ़ते हैं वो बहुत चुनिंदा स्रोतों और साक्ष्यों पर है, मतलब उसका एक जो मतलब बहुवैकल्पिक आधार होना चाहिए वो नहीं है। बहुत छोटे छोटे चीजों से उठा करके एक इमारत बना दी गई है जिसकी प्रामाणिकता और जिसकी विश्वसनीयता तब ज्यादा बहाल होगी जब हम एक बड़े आधार पर बात कर सकते हैं। तो उस बड़े आधार की खोज में ये संगोष्ठी एक गांव में आयोजित है और उसमें एक अधिकारी वक्ता और जो काफी दखल रखते हैं इस चीज के बारे में, सुरेश कांतक जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय ओझा जी, दीपक जी, हमारे बड़े बुजुर्ग और यहाँ उपस्थित विद्वतजन और इस कार्यक्रम को गांव तक पहुँचाने वाले हमारे भाई देवेंद्र दास चौबे जी, हम यहाँ पिछली बार भी आए थे और ये एक बात लेकर आए थे कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं, अभी तक हमें जो इतिहास पढ़ाया आता है वो इतिहास कितना इतिहास है और कितना परिहास है। इतिहास जो हम अब तक पढ़ रहे हैं उस इतिहास के प्रस्तोता कौन है, इतिहासकार कौन है? शायद आपको पता होगा कि सबसे पहला इतिहास इस हिंदुस्तान का किसी ब्रिटेन निवासी ने लिखा था और उसके बाद से इतिहास की एक परंपरा बनी। वो इतिहासकार सत्ता से जुड़ा इतिहासकार होगा, सत्ता से जुड़े हुए लोग, शासन से जुड़े हुए लोग, राजाओं का वंश, राजाओं की परंपरा और उनके कारनामे, उनके कर्तव्य इतिहास के विषय बने। लेकिन इस हिंदुस्तान में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, क्या 6.5 लाख गांव से वैसे नायक नहीं निकले जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ किया, हिंदुस्तान के लिए कुछ सोचा, हिंदुस्तान के लिए शहादत दी? क्या तख्त पर बैठने वाले लोग ही शहादत देते रहे हैं? उनके सिपाही कौन हुआ करते थे? उनकी सरदारी थी, इतिहास में नाम है। लेकिन जिन्होंने शहादत दी वो कहां, उनका इतिहास कहां है? इतिहास में हमारा असली इतिहास ही गुम है। हम असली इतिहास की खोज करने वाले लोग हैं जो आप तक पहुंचे हैं, आपसे जानकारियां लेते हैं और इसको व्यापक रूप में, व्यापक फर्क पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसी आंदोलन का एक सिलसिलेवार रूप चल रहा है जिसका दूसरा पड़ाव यहाँ है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय समाज मुख्य रूप से
दो तरह से रहता आया है, एक गांव में एक शहरों में। गांवों की संख्या अधिक है, शहरों की संख्या कम है, लेकिन इतिहास लिखा गया है शहरों के बारे में। यहाँ तक के सिंधु घाटी सभ्यता भी चर्चा करती है तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की चर्चा करती है। किसी गांव की चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलती। मित्रों, वैदिक काल में हमारे गांव हैं। वैदिक काल में ये वर्णन है कि उस समय किसान हुआ करते थे और किसान गांव की खेती करते थे। खेती उनका मुख्य धंधा था, खेती से जुड़ा था उनका परिवार और उसी में लगे हुए संलग्न रहते हुए वो सारे क्या प्राप्त किया करते थे, ये हमारे वेद बताते हैं। और उस समय कौन सा औजार, कौन सा देवी देवता, इस तरह का नियम कानून का पालन किया जाता था, ये हमारे वेद बताते हैं। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से हमारे यहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती थी और परंपरा के रूप में हमें बताया जाता था मानव मूल्यों को। लेकिन यह इतिहास, यह गांव बाद के इतिहास में गायब हो गया। मध्य काल में हम देखते हैं, मुगल काल तक हम देखते हैं कि गांव के इतिहास नहीं है। मुगल काल में भी गांव का इतिहास नहीं है, गांव नहीं है, गांव के नायक नहीं है मुगल काल में। और तब इस्लाम की चर्चा होती है, इस्लाम की शिक्षा देती है, उसी समय बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसी समय जैन धर्म की शिक्षा दी जाती है और तमाम ये धर्म का घाल मेल होता है, वो होता है। लेकिन गांव वहां भी नहीं होती, गांव की चर्चा वहां भी नहीं होती, गांव के नायकों की चर्चा वहां भी नहीं होती। गांव की संस्कृति, गांव के कारोबार, गांव के उद्योग धंधे, गांव के मेहनत कश लोग तो वहां गायब रहते हैं। इसके बाद आती है बारी ब्रिटिश